हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लंची की चीज पे सदफ। आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट अलॉयज एंड देयर यूजेस एंड कंपोजिशन। मतलब हम लोग ऐसी मिश्र धातुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम का पार्ट बन चुकी हैं, और साथ ही साथ वो किन धातुओं से मिलकर बनी है और उनके उपयोग। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी ये क्या है, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग वो देख लें एक बार। ये है मिश्र धातु, ये उनका संगठन और यहाँ पर उनका यूज। ठीक है, फर्स्ट हमारी मेटल है पीतल, ब्रॉस। ठीक है, क्या है पीतल, किन धातुओं से मिलकर बनी है वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये बनी है कॉपर प्लस जिंक से। किससे बनी है, कॉपर प्लस जिंक। अब इनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर कितना चाहिए होगा, 670% और जिंक हमारा 30%। ठीक है, तो यूज क्या है, बर्तन बनाने में मेनली यूज होते हैं पीतल। ठीक है, पीतल का यूज क्या होता होगा, आपने देखा होगा घर में पीतल के बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है कांसा, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, आपने सुना होगा ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो किन धातुओं से मिलकर बनी है, आपने सोचा है कभी कि ये जो ब्रॉन्ज है किन धातुओं से मिलकर बनी, तो ये देखते हैं हम लोग, कॉपर। और एसन क्या होता है, एसन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एसन होता है टिन, टिन को रिप्रेजेंट करते हैं एसन से। ठीक है, तो कॉपर प्लस टिन, कितना चाहिए कॉपर, कॉपर होता है 90% होता है ब्रॉन्ज में और टिन होता है 10%। यूज क्या है, सिक्के, घंटी और बर्तन बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलॉय है जर्मन सिल्वर। ठीक है, कई बार पेपर का पार्ट बन चुका है जर्मन सिल्वर, तो किन धातुओं से मिलकर बनता है वो देखते हैं, तो कॉपर, जिंक, निकल। ठीक है, निकल, कॉपर कितना चाहिए 60%, जिंक कितना चाहिए 20%, निकल 20%। यूज क्या है जर्मन सिल्वर का, बर्तन बनाने में यूज होती है जर्मन सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोल गोल्ड, आपने सुना होगा रोल गोल्ड ज्वेलरी, तो किन धातुओं से मिलकर बनती है रोल गोल्ड ज्वेलरी वो देखते हैं, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, यूज क्या है, सस्ते आभूषण बनाने में यूज होता है रोल गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास गन मेटल। गन मेटल नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, गन बनाने में, तो किन धातुओं से मिलकर बनती है गन मेटल देखते हैं, सीयू तो किससे रिप्रेजेंट, कॉपर से, एसएन हमारा क्या हो गया टिन हो गया, जेडन जिंक, पीबी क्या होता है लेड, लेड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पीबी से। ठीक है, तो इन धातुओं से मिलकर बनता है गन मेटल। ठीक है, परसेंटेज कितना, कॉपर 88%, हमारा टिन कितना चाहिए 10%, जिंक 1% और लेड 1%। यूज क्या है, बंदूक, बैरल, गियर और वायरिंग बनाने में यूज होता है गन मेटल। नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा मेटल। ठीक है, डेल्टा मेटल क्या का यूज क्या है, हवाई जहाज के डैने पंख बनाने में यूज होता है डेल्टा मेटल, ये देखिए आप लोग। ठीक है, तो ये किन धातुओं से मिलकर बनी होती है वो देखें, कॉपर, जिंक, एफ ई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से। ठीक है, तो हमारा सी यू प्लस जेड एन प्लस आयरन, ठीक है एफ ई, तो कॉपर कितना चाहिए 60%, जेड एन 38%, आयरन चाहिए 2%। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी मेटल है वो है मुंज मेटल। यूज क्या है, यूज है सिक्के बनाने में यूज होती है मुंज मेटल। ठीक है, क्या किन किन धातुओं से मिलकर बनी है वो देखते हैं, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर कितना चाहिए 60% और जिंक 40%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डच मेटल। कौन सी मेटल, डच मेटल क्या यूज होता है, यूज होता है कृत्रिम आभूषण बनाने में। ठीक है, अब देखिए ये भी कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है, ये भी कॉपर जिंक से मिलकर बनी है, लेकिन क्या है दोनों के परसेंटेज में अलग है, यहाँ पर कॉपर कितना है 60%, यहाँ पर 80%। ठीक है, तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट रखता है मेटल किसी एलॉय को बनाने के लिए। ठीक है, तो डच मेटल के लिए कॉपर कितना चाहिए 80% और जिंक चाहिए 20%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मोनल मेटल। मोनल मेटल किससे मिलकर बनती है, कॉपर प्लस निकल, कॉपर और निकल से मिलकर बनती है मोनल मेटल। ठीक है, कॉपर चाहिए 70% और निकल चाहिए 30%। और यूज क्या है, आधार वाले कंटेनर बनाने के लिए
यूज होता है मोनल मेटल, आप पिक में देख रहे हैं ये कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है रोज मेटल। रोज मेटल का यूज क्या होता है, रोज मेटल का यूज होता है स्वचालित फ्यूज बनाने में। आपने घर में देखा होगा फ्यूज, ये देखिए, तो फ्यूज बनाने में यूज होती है रोज मेटल। पूछ दिया जाता है फ्यूज किस मेटल के बने हुए होते हैं, तो वो रोज मेटल के। अब किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो हमारे पास BI है, BI होती है बिस्मत, बिस्मत मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं BI से। नेक्स्ट हमारी आप लोग जानते हैं PB, लेड, SN, टिन, ठीक है। तो इन धातुओं से मिलकर बनी होती है रोज मेटल। परसेंटेज कितना चाहिए, बिस्मत को चाहिए 50%, लेड 28% और टिन चाहिए 22%, ठीक है। तो इन धातुओं से मिलकर बनी होती है रोज मेटल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सोल्डर मेटल। सोल्डर मेटल किन धातुओं से मिलकर बनी होती है वो देखते हैं। सोल्डर मेटल लेड प्लस टिन दोनों चाहिए, 50-50% चाहिए लेड प्लस टिन। क्या होता है, सोल्डिंग करने में यूज होती है, आप पिक में देखिए, ठीक है। ये तार आप लोगों ने देखे होंगे, तो सोल्डर मेटल किससे मिलकर बनी हुई है, लेड और टिन से। नेक्स्ट मेटल है हमारे पास मैग्नीलियम मेटल, ठीक है। इससे क्या, इसका यूज क्या है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में यूज होती है मैग्नीलियम मेटल, ठीक है। तो किससे, किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कितना चाहिए 95%, मैग्नीशियम चाहिए 5%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ड्यूरेल्यूमिन, जो किस किस पर्पस के लिए यूज होती है, बर्तन बनाने में। किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये है मैग्नीशियम और ये मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज अलग है, मैग्नीशियम अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। मैग्नीज किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Mn से, मैग्नीशियम रिप्रेजेंट होता है Mg से, ठीक है। यूज क्या है, बर्तन बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप मेटल। टाइप मेटल किस लिए यूज होती है, प्रिंटिंग उद्योग में। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, तो किन धातुओं के, धातुओं से मिलकर बनी है, टिन, लेड, Sb होती है एंटीमोनी, ठीक है। Sb, ठीक है, एंटीमनी। तो ये हमारे इन तीन धातुओं से मिलकर बनी है टाइप मेटल। टिन चाहिए 5%, टिन 5%, लेड चाहिए 80% और एंटीमनी चाहिए 15%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेल मेटल। बेल किससे मिलकर, बेल मेटल का यूज क्या है, घंटी और मूर्ति बनाने में यूज होती है बेल मेटल, ठीक है। कॉपर और टिन से मिलकर बनी है, कॉपर कितना चाहिए 80%, टिन चाहिए 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेनलेस स्टील। आप लोगों ने कई बार सुना होगा स्टेनलेस स्टील, क्या आपने सोचा है किन धातुओं से मिलकर बनी है स्टेनलेस स्टील, तो वो मिलकर बनी है आयरन। आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से, और ये हमारा क्रोमियम, Cr प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस कार्बन, ठीक है। तो इन सब धातुओं को मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है 0.05%, ठीक है, 0.05% प्रेजेंट होता है कार्बन, ठीक है। आयरन प्रेजेंट होता है 75%, क्रोमियम 15%, निकल होता है 9.5%। यूज क्या होता है इसका, बर्तन एवं सर्जिकल औजार बनाने में यूज होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है हमारे पास निकल स्टील। इसका यूज क्या है, इसका यूज है बिजली के तार एवं वाहनों के पुर्जे बनाने में, आप लोग देख रहे हैं पिक में, ठीक है। किससे मिलकर बनी है, आयरन और निकल से, ठीक है। आयरन कितना चाहिए 95%, निकल चाहिए 50%, सॉरी 5%, निकल कितना चाहिए 5%। तो यहीं से हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।